आज मैं पवाई करिगल मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। ये एंथोलॉजी ड्रामा जॉनर के अंडर आती है, जिसमें कि चार अलग अलग टाइटल की शॉर्ट स्टोरीज हमें देखने को मिलती है, जो कि हैं प्राइड, सिन, लव और ऑनर। तेम ऐसे ही हमने लव स्टोरीज और घो स्टोरीज नेटफ्लिक्स पर देख रखी है। तो मेरा रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं मुझे आप लोग का सपोर्ट मिल सके और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कोई पॉजिटिव कमेंट करें। अब मेरा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट्स बैड से, मीडियोकर कंक्लूजन्स। तो ये देखते टाइम आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे और कुछ ना कुछ स्क्रीन पे आपको एंटरटेन रखेंगे, उसके साथ ही आपको इसके एंड को लेके एंटिसिपेशन बढ़ जाएगी, बट स्टोरी के एंड करने की प्रोबेबिलिटी 3:0 की लगती है। मुझे ये देखते वक्त 3 कंक्लूजन्स दिमाग में आए थे और एंड इसमें से एक ही निकला, तो इसमें ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। अब आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर। स्ट्रेट सब्जेक्टिव अप्रोच, तो जैसे ही आप ये देखना स्टार्ट करेंगे अलग अलग स्टोरीज के सेगमेंट आपको समझ आ जाएंगे, बट इंट्रिकेट लव रिलेशंस के अलावा हम और किसी चीज़ से उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। स्टोरी स्टार्ट होते ही अपने सब्जेक्ट की स्टोरी डेवलप करने में लग जाती है, जो कि कुछ लोगों को उतना कन्विंसिंग नहीं लगेगा। अब आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर। एक्सप्लोरिंग एंथोलॉजी जॉनर, तो एंथोलॉजी जॉनर में हमने अब तक लव स्टोरीज और घो स्टोरीज देखा है और अब हम पावा कड़ाईगल देख रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली इसके पहले आए एंथोलॉजी जॉनर के एक्सपेरिमेंट से अच्छा है और हमें ऐसा ही कुछ देखना चाहिए अगर हमें ऐसा कुछ कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया पर चाहिए। तो अब आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर। सिन एंड ऑनर, वैसे तो ओवरऑल चारों स्टोरीज मुझे सही लगी बट सिन एंड ऑनर वाली स्टोरी मुझे ज्यादा अच्छी लगी, जो कि है वान मगल और उर इरावू। अब इसमें मुझे सिर्फ सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लगा बल्कि इसमें जो परफॉर्मेंसेज है और जिस तरीके से इसे डायरेक्ट किया गया है वो भी मुझे अच्छा लगा। अब आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर। परफॉर्मेंसेज एंड कंटिन्यूस स्ट्रीक, तो इसमें एक और चीज़ है जो कि इसको वर्थ अ वॉच बनाती है, वो है इसके परफॉर्मेंसेज। तो बहुत ही इंपैक्टफुल और पावरफुल परफॉर्मेंसेज आपको देखने को मिलते हैं इसमें। कंटिन्यूस स्ट्रीक की बात करें तो जब आप इसे देखना स्टार्ट करते हैं तो पहले इंस्टेंट से ही ये आपको इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेती है और फिर वो कंटिन्यूसली उसी तरह चलता है। अब आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर। इंडियन प्रेजुडिस, तो अब मैं यहाँ प्रेजुडिसेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट अगर आप एवरेज इंडियन माइंडसेट को जानते हैं तो इसमें उन सभी चीज़ों को अच्छे से यूज़ किया गया है। अब बात करें इसकी रिकमेंडेशन की, ये वो लोग देख सकते हैं जिन्हें ऐसे सोशल इश्यूज पर कुछ देखना पसंद है। अब बात करें इसकी रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 8/10 स्टार्स। और बस वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक ही बात बोलूंगा, रिव्यूअर्स को देखें, रिव्यू के नाम पर रिएक्शन देने वालों को नहीं। स्मार्ट बने, प्रिटेंड ना करें स्मार्ट होने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको सजेशन या फीडबैक हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।